Hello everyone, in this video we are going to explain the chapter number 1, knowing our number. This is the chapter of class 6 mathematics. So first of all, we will know about digits. Digits होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये symbols हैं, इन symbols को digits कहा जाता है. इन symbols के help से हम numbers को form करते हैं, numbers को लिखते हैं. दूसरी बात हम सीखते हैं numerals. Numerals होता है group of digits. Group of digits, suppose there are 2-3 groups हैं यहाँ पे, 2-3 और मान लीजिए यहाँ पे 9 है. ठीक है, तो ये एक ग्रुप हो गया डिजिट्स का. इन डिजिट्स से एक नंबर फॉर्म हो गया डिजिट्स में, फिगर्स में 239. नेक्स्ट होता है न्यूमरेशन. न्यूमरेशन भी नंबर को राइट करने का, नंबर को लिखने का मेथड होता है, जिन्हें हम वर्ड्स में लिखते हैं, शब्दों में लिखने को न्यूमरेशन कहा जाता है. सिंपल सी बात है. तो जो न्यूमरेशन है यानी नंबर को लिखने के दो मेथड होते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम को सीखते. सिंपली ये नंबर हम अगर पढ़ें, इसको रीड करें, तो ये होता है 78. इसके आगे का जो प्लेस होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ऐड कर लिया, अब ये नंबर हो जाता है 278. इस वाले प्लेस को वंस कहा जाता है, इस वाले प्लेस को टेंस कहा जाता है, इस वाले प्लेस को 100 कहा जाता है. इसके बाद हम कॉमा लगा लेते हैं एक, और यहाँ पर दो ऐसे स्थान है, ऐसे प्लेस हैं जिनको हम 1000 कहते हैं. कोई भी हम नंबर अगर राइट कर ले यहाँ पर, अब ये 1000 आ गया. जो भी यहाँ पे बैठ जाएगा, जिस नंबर को हम लिख देंगे यहाँ पर, वो हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा 1000. यानी कि ये 5000 हो गया. अब 5278 इधर का होता है 10000, इसे हम बोलते हैं. सपोज दैट हमने यहाँ पे 1 ऐड कर लिया, तो ये 1 10000 हो गया. अब इन दोनों को जब हमने मिलाया तो 15000 हो गया. 15278. ध्यान रखें 1000 के 2 डिजिट होते हैं. अगर कभी भी आगे लाख की बात करें और बीच में केवल एक डिजिट वाला 1000 हो, तो यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा. वो भी हम समझाते हैं. इसके बाद फिर कॉमा लगा लेते हैं. इसके बाद यहाँ पे 2 प्लेस और होंगे, 2 डिजिट को हम और रखेंगे, जिनको हम कहते हैं लाख. मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 राइट कर लिया, ठीक है, तब ये नंबर हो गया 6,15,278. और यहाँ पे हमने अगर 9 राइट कर लिया, तो ये 9-10 लाख हो गया. 9-10 लाख का मतलब 90 लाख. 90 लाख प्लस 6, 96 लाख. अब ये नंबर हो गया 96,15,278. इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद के जो है 2 प्लेसेस, उनको कहा जाता है करोड़. उनको कहा जाता है करोड़. एक केवल करोड़ होगा. मान लीजिए हमने यहाँ पे एक 7 डिजिट राइट कर लिया, तो ये हो गया 7 करोड़. यहाँ पे जिस नंबर को भी हम इस प्लेस पे राइट करेंगे, तो वो उस करोड़ में कहा जाएगा. तो 1 राइट करेंगे तो 1 करोड़, 6 राइट करेंगे तो 6 करोड़. तो यहाँ पे अभी हमने 7 राइट किया, ये 7 करोड़ हो गया. आप पूरा नंबर ऐसे रीड करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, 7 करोड़ 96 लाख 15,278. आफ्टर दैट यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 3 ऐड कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा 37 करोड़. अब ये नंबर हो गया 37 करोड़ 96 लाख 15,278. इसके बाद के नंबर जो हैं, 2 प्लेसेस और होते हैं, अगर और बढ़ाएं हम यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, इसके बाद क्या आ जाता है? अरब. फिलहाल तो अभी आपका जो चैप्टर्स है उसमें करोड़ से ही काम चल जाएगा. यहाँ के जो नंबर होगा वो कोई अरब से डिनोट होगा, यानी कि ये अरब, यहाँ पे 10 अरब. अगर ये हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तब ये नंबर हो जाता है 2,37,96,15,278. इसके बाद हम सीखते हैं इंडियन नंबर्स, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ये था इंडियन नंबर सिस्टम, अब हम सीखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हम यही डिजिट ले लें, तो इस नंबर को सिंपली हम पढ़ेंगे 278, जैसे कि इसने पढ़ा था. इसके बाद यहाँ कॉमा लगा लेंगे. अब हम इन डिजिट को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट 3-3 के बाद कॉमा लगाकर नंबर्स को सेपरेट करते हैं. तो इधर के जो होंगे यहाँ पे कहा जाएगा 1000, इनको क्या कहा जाएगा? 1000. लेकिन 1000 में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट होते हैं. ये अगर हमने डिजिट लिए 615, तब ये होगा 615,000. ये नंबर को हम ऐसे पढ़ेंगे 615,278. फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर से 3 डिजिट आएंगे. ये यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ पे 379 है, 379. यहाँ पे देखिए जब हम कॉमाज लगा रहे हैं तो 3 डिजिट के बाद आ रहे हैं, तो 379. यहाँ का जो प्लेस होता है, इसको कहा जाता है, इस प्लेस को मिलियन.
300, अभी इस नंबर, ये नंबर को कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 379,615,278। इसके बाद के जो फिर से 3 पे कॉमा लाएंगे बिलियन आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया 23, यही राइट कर लेते हैं, तो ये तो राइट हो गया, पहले यहाँ ये डिजिट ले लेते हैं। अभी हो गया बिलियन, 2,379,615,278, इस तरह से ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अब हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ये नंबर शब्दों में लिखे हुए हैं, इनको हमें डिजिट्स में राइट करना है। तो पहला इसमें ए जो है फर्स्ट वाले का, इसमें राइट किया 62,435। सिंपली हम राइट कर देंगे 62,435। ये आपका आंसर हुआ। बी जो है आपका 835,986। लिख लेंगे हम इसको 835,986। जो लिखा हुआ है उसी को हमने डिजिट में राइट कर दिया है, 835,986। सी वाला है 49,06,000। अगर हम 6 ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। 6000 में 2 डिजिट होते हैं जबकि यहां पर एक ही आया है, इसीलिए हम क्या करेंगे 6 को राइट करेंगे 06। अब ये 2 डिजिट हो गए, तो 49,06,115 कॉमा लगा के राइट कर लेंगे 115। ये आपका आंसर हुआ सी का। नेक्स्ट है डी, 7,86,00,000। तो 7 करोड़ हो गया, कॉमा लगाया, 86 लाख हो गया, कॉमा लगाया। इसके बाद है 76,000, बहुत ही सिंपल है, 76,000 राइट कर लिया, 853। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हमें वर्ड्स में राइट करना है, शब्दों में राइट करना है। पहला है आपका 47,125, तो इसको शब्दों में राइट कर देंगे 47,125। पहले का सॉल्यूशन जो बी वाला है उसको देखें, देखिए कॉमा लगा हुआ है और लाख तक पहुंचेंगे, 8,92,015। शब्दों में राइट कर देंगे 8,92,015। 100 नहीं है तो 100 की जगह पे 0,100 राइट नहीं करना है, केवल 15 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है सी 24, यहां भी हम लाख पे पहुंच रहे हैं, 24,45,683। 24,45,683। नेक्स्ट है डी 68 करोड़, यहां करोड़ पे पहुंच जा रहे हैं, 68 करोड़, और लाख की जगह पे 0 है, 1000 की जगह पे 52 है, बाकी 678। 68 करोड़ 52,678। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। ये भी हमें फिगर्स में राइट करने, यानी कि डिजिट में राइट करने हैं, बस फर्क इतना है कि ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम वाले हैं। तो पहला राइट किया हुआ 514,000, ए वाला है 514,000, ऐसे कॉमा लगा लेंगे, आफ्टर दैट है 953। तो 953 दिस इज द सॉल्यूशन। बी वाला है आपका 4,786,000, 4 मिलियन राइट कर लिया, कॉमा लगा लिया। इसके बाद 786,000 कॉमा लगा लिया, आफ्टर दैट 699। बिल्कुल सिंपल। सी है 56 मिलियन, राइट कर लिया, अभी कॉमा लगा गया, 56 मिलियन कॉमा लगाया, आफ्टर दैट 812,000 हो गया, फिर कॉमा लगाया, 163 भी राइट कर लिया, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है डी 807 मिलियन,
देखिए यहाँ पे 807 मिलियन ये ऐसे राइट किया, 807 मिलियन, 606,000 ऐसे राइट किया, 505 बस हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था वर्ड्स में राइट करना था लेकिन वो इंडियन सिस्टम था, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 इनको हमें इंटरनेशनल सिस्टम में शब्दों में राइट करना है, शब्दों में लिखना है। तो ए वाला है 582,000, लिख देंगे शब्दों में 582,000, 582,000। इसके बाद 100 और 10 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है एंड 7 और ऐड कर देंगे 7। इट वा बी को देखें क्या है, 3 मिलियन, 872,000, 3 मिलियन ऐड कर लेंगे शब्दों में, 3 मिलियन, 872,000, 872,000 आफ्टर दैट है 565। नेक्स्ट है सी, 62 मिलियन, 698,000, 581। तो पहले हम 62 मिलियन ऐड कर लें, 62 मिलियन, 698,000, 698,000, 698,000 एंड 581। डी में मिलियन है 986 और 786,000 है, 786 सिंपल है, तो 986 मिलियन ऐड कर लेंगे पहले, ऐड किया 986 मिलियन, आफ्टर दैट 786,000, 786,786। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमास इन इंडियन नंबर सिस्टम एज वेल एज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको हमें दो मेथड से राइट करना है, कॉमास का यूज करके, कॉमा का यूज कर करके। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉमा लगाना आपको सिखाया था, उसी तरह से हम कॉमा लगा लेंगे। पहले तो हमें इंडियन सिस्टम वाले लगाना है और उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लगाने हैं। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं इंडियन नंबर सिस्टम, शॉर्ट में राइट कर दिया, ठीक है, और फिर राइट करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब ये जो नंबर है पहले ए राइट किया हुआ है, इसके जो डिजिट है हम नोट कर लेते हैं, 456893, आफ्टर दैट बी वाला है इसको भी नोट कर लेते हैं, 561978 7। सी कई डिजिट ऐड कर लेते हैं, 4021 3878 3878। नेक्स्ट डी है इसकी भी डिजिट नोट कर लेते हैं, 16972 16972 9653 9653। अब देखिए ये डिजिट हमने नोट कर लिए हैं, अब हम इंडियन नंबर सिस्टम में इनको ट्रांसफर करेंगे, राइट करेंगे कॉमा लगा के और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद राइट होता है, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो ये 456893 ये इस तरह से हो जाएगा, पहले 3 पे कॉमा लगेगा उसके बाद 2 पे, 2 डिजिट के बाद, पहले 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट इधर से काउंट करेंगे, इसके बाद 2 डिजिट काउंट करेंगे, कॉमा लगा दिया। अभी यहाँ पे आ गया आपका लाख वाला प्लेस, ये 1000 का होता है, ठीक है। तो 456893। अब बहुत ही सिंपल है, इधर के 3 और इधर के 3 डिवाइड कर दिए, यानी 456। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, 3 पे कॉमा लगता है, 893 456000, ये प्लेस क्या होता है 1000, इसका नाम होता है 1000, तो 456893 इस तरह से ये कर रहे हैं। सेम एज हियर, यहाँ पे पहले हम 3 पे कॉमा लगा लेंगे इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम के लिए और फिर यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि 56 लाख 19,000 और
786। ठीक है, पहले 3 फिर 2 फिर 2, इसमें क्या करना है, यही सेम डिजिट है। पहले हम कहां कामा लगाएंगे, यहां फर्स्ट 3 पर, इसके बाद इधर से 3, तो यहां पे आएगा 5,619,786। अब देखिए यहां पर हमें सेम ऐसे ही करना है, पहले हम 3 पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 पे कॉमा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा इंडियन सिस्टम। तो अभी हमने यहां पे 2 पे लगाया तो ये पहले 4 आया, ठीक है, इसके बाद कॉमा लगा के 02 राइट किया, इसके बाद 13 कॉमा लगा के राइट किया, इसके बाद 8,878। अब देखिए ये 1000 का प्लेस है, ये लाख का है, ये करोड़ का है, तो ये नंबर हुआ 4,02,13,878। इंटरनेशनल सिस्टम जब राइट करेंगे तो हम 3 पे कॉमा लगा लेंगे, ठीक है, पहले के ये 3 फिर दूसरे ये 3 आफ्टर दैट ये 2 रह गया इधर, तो ये 40,213,878 हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 40 मिलियन, कॉमा लगाया 213,000 और आफ्टर दैट 878। इस तरह से इसको इंटरनेशनल सिस्टम में राइट कर लिया। इसमें जब हम इंडियन सिस्टम में राइट करेंगे, पहले 3 ले लेंगे, इसके बाद 2 पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 16, अब ये आ गया 1000, ये लाख, ये करोड़, तो ये नंबर हो गया 16,97,29,000, कॉमा लगाएंगे, फिर 653। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, 3 डिजिट ले लेने हैं, ठीक है, फर्स्टली आएंगे 169 मिलियन, तो 169 मिलियन आ गया, इसके बाद 729,000 आ गया, उसके बाद 653। तो इस तरह से कॉमा लगा के ये नंबर्स को फॉर्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर्स हैं इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है, अलग अलग राइट करना है। सबसे पहले जो ए वाला क्वेश्चन है, 57,694, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। देखो तो इसके हमें प्लेस वैल्यू राइट करनी होगी, ये जो है 10,000 है, कितना है 10,000, 5 10,000, तो 5 × 10,000 इस तरह से, ठीक है, इसके बाद प्लस 5 × 10,000, फिर 7 × 1,000, यहां पे 1000 की प्लेस राइट करना है, 7 × 1,000, फिर प्लस ऐड करेंगे, इसके बाद 6 × 100, 100 का मतलब केवल 100 भी हो सकता है, ये 100 का प्लेस है, इसके बाद प्लस ऐड करेंगे और ये है 9 × 10 प्लस 4। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 7,62,809, तो 7 करोड़, 7 जो है करोड़ के प्लेस में, 7 × 1 करोड़ ऐड कर लेंगे, ठीक है, 7 × 1 करोड़ प्लस 10,000 की प्लेस पर है 6, तो 6 × 10,000 प्लस केवल 1000 के प्लेस पर 2 है, तो 2 × 1,000, इसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 800, 8 × 100, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगा के, टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, 0 है, हालांकि राइट कर सकते हैं 0 × 10 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, नहीं लिखोगे तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी जो है इसके बाद का है 9। नेक्स्ट है 64,92,865, तो देखिए जो 64 लाख है यानी कि 6 जो है वो 10 लाख के प्लेस पर है, तो 6 × 10 लाख कर देंगे, ये हो गया 10 लाख, ये 1000, ये 10 लाख, 6 × 10 लाख, इसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 4 जो है वो लाख के प्लेस पर है, तो 4 × लाख कर लेंगे, फिर प्लस, इसके बाद 9 है 10,000 के प्लेस पर, तो 9 × 10,000, 2 है 1000 के प्लेस पर, तो प्लस 2 × 1000, प्लस 8 है 100 के प्लेस पर, तो 8 × 100, प्लस
सिक्स टेंस के प्लेस पर है, सिक्स मल्टीप्लाई टेन प्लस यूनिट डिजिट पर है फाइव। डी क्वेश्चन है, यहां पर आपका करोड़ है, ठीक है, 26 करोड़ 17,18,119। तो 26 यानी कि 2 जो है वो 10 करोड़ के प्लेस पर है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 करोड़ राइट कर लेंगे। इसके बाद जो है 6 वो करोड़ के प्लेस पर है, तो 6 मल्टीप्लाई करोड़ राइट कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई करोड़ प्लस आफ्टर दैट है 17 यानी कि जो 1 है वो 10 लाख के प्लेस पर है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 लाख कर लिया। आफ्टर दैट 7 है वो लाख के प्लेस पर है, तो 7 मल्टीप्लाई लाख। इसके बाद 18,000 है, ठीक है, 18,000 यानी जो 1 है वो 10,000 के प्लेस पर है, तो 1 मल्टीप्लाई 10,000 और प्लस 8 है वो 1,000 के प्लेस पर है, तो 1 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 1 है वो 100 के प्लेस पर है, 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 है वो 10 के प्लेस पर है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई 10। इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो नंबर्स हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमें शॉर्ट करके राइट करना है, हल्का करके राइट करना है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे पहला है इसमें ये वाला 9 मल्टीप्लाई 1 लाख, 6 मल्टीप्लाई 10,000 और 7 मल्टीप्लाई 1,000, 8 मल्टीप्लाई 100 और 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, तो इनको हम राइट कर लेंगे, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो जो 9 है वो लाख के प्लेस पर, यानी 9 लाख हो गया, 9 मल्टीप्लाई 1 लाख मतलब 9 लाख। इसके बाद 6 मल्टीप्लाई 10,000, अब जो है 10,000 के प्लेस पर कितना है 6, 10,000 के प्लेस पर 6 है, फिर 7 मल्टीप्लाई 1,000, तो 1,000 के प्लेस पर 7 है, तो ये 67,000 हो गया, 9,67,000। इसके बाद 8 है 100 के प्लेस पर, 8 कहाँ है 100 के प्लेस पर, और 10 के प्लेस पर 9 है, 9 मल्टीप्लाई 10 के प्लेस पर है 9, तो ये 9 हो गया, और बाद में 4 बन जाओ, 4 यूनिट डिजिट है 4, तो ये नंबर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 9,67,894। इसी तरह से जो बी वाला है वो ऐड करेंगे, इसमें 8 मल्टीप्लाई 1,000 है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 लाख है, तो 8 लाख हो गया, लाख का प्लेस ये 1,000 के प्लेस पर देखें, 7 मल्टीप्लाई 10,000 यहाँ 7 है, और 5 मल्टीप्लाई 1,000, तो ये 1,000 के प्लेस पर 5 है, कॉमा लगा देंगे, 769। इस तरह से इसको शॉर्ट में राइट कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ये। क्वेश्चन नंबर सी है 5 मल्टीप्लाई 10 करोड़, तो 10 करोड़ के प्लेस पर 5 है, तो यानी कि ये 50 करोड़ हो गया, और 8 मल्टीप्लाई 10 लाख करोड़, 50 करोड़ हो गया, ठीक है, बन इस करोड़ के प्लेस पर कुछ नहीं है, कॉमा लगा लेंगे। इसके बाद है 8 मल्टीप्लाई 10 लाख, यानी कि जो 10 लाख है उसके प्लेस पर 8 है, और तो वो कितना हो गया 80 लाख हो गया। आफ्टर दैट लाख के बाद 1000 आना चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 10,000 है, तो 4 के ये हो गया 40,000, फिर 790 और यूनिट प्लेस पर कुछ भी नहीं है, तो वहां पे 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है, 50 करोड़ 80 लाख 40,790। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी, 4 मल्टीप्लाई 1 अरब, तो 4 अरब हो गया, फिर कॉमा लगा लेंगे। इसके बाद देखेंगे अरब से उधर को आता है करोड़, तो करोड़ कितना है 4 मल्टीप्लाई 1 करोड़, ठीक है, तो 1 करोड़ है, 10 करोड़ की जगह पे कुछ नहीं, वहां पे 0 लगा लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 करोड़ हो गया ये। अब इसके बाद लाख आता है, तो लाख भी 1 है, 6 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो 6 को भी हम 0 लगा के राइट करेंगे, क्योंकि 1000 लाख में भी 2 डिजिट होते हैं, इधर करोड़ में भी 2 डिजिट होते हैं, इस तरह से ये 0 लगा के राइट करेंगे, है नहीं दिया हुआ वहां पे, इस वजह से। अब है 7 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है, ये लाख आ गया, अब 7 मल्टीप्लाई 10,000, तो ये 70,000 हो गया। अब इसके बाद 1000 ये 1000 वाले प्लेस पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 70,000 हो जाएगा, 70 राइट कर लेंगे, फिर 8 मल्टीप्लाई 100, तो 800 हो गया, बाकी 7 10 का 70 हो गया, और बाद में यूनिट डिजिट 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एन सर्किल्ड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहां पर कुछ एन सर्किल्ड डिजिट्स हैं जिन पे सर्किल किया गया है, जिनके चारों तरफ जिनकी जो सर्किल में बंद डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू राइट करनी है, ठीक है, तो इसका प्लेस 100 का है, तो ये आपका हो गया 300,
दूसरा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो भी सर्किल डिजिट है उसके बाद में कितने डिजिट हैं। जैसे वाली थ्री है, थ्री का थ्री राइट कर लिया, बाद में टू डिजिट है तो यहां पर 20 लगा लेंगे, सिंपली ये 200 हो गया। यहां पे इसी तरह से राइट करेंगे, जैसे कि यहां तो 2 राइट कर लिया आपने, 2 है, बाकी 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 थ्री डिजिट है, 30 लगा लिए, इसमें प्लेस वैल्यू होगी 2000। यहां पर 8 है, 8 लिखा हमने, फिर यहां पर डिजिट काउंट किए, 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट है, हम 50 लगा लेंगे, ये हो गया 50। ठीक है, जब हमने कॉमा लगाया तो ये नंबर हो गया 800,000। इसके बाद यहां पे 6 है, अब ये देखेंगे हम 6 के बाद डिजिट कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें हम 60 लगा लेंगे, ये हमने 60 लगा लिया। ठीक है, अब ये नंबर हमने काउंट किया तो ये यहां पे 1000 हुआ, ये लाख हुआ, 60 लाख हो गया, इस 6 की वैल्यू 60 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4s इन, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें दो 4 हैं, उनकी प्लेस वैल्यू निकाल के और हमें उनके डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले हम ये नंबर ऐड कर लेते हैं, ये नंबर है 64,86,453, इसमें 2 जगह 4 दिया गया है, उनकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4s इन दिस नंबर। तो दो जगह 4 है, एक तो देखिए ये है और दूसरा ये है, इनकी हमें पहले प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू ये 4 की अगर हम फाइंड करते हैं, लिखते हैं, तो इसके बाद हम डिजिट काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 फाइव डिजिट है, 50 को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये नंबर जो है वो हो गया 400,000, इसमें इस वाले को 4 यहाँ पे ऐड करेंगे, लिखेंगे। अब देखिए ये जो नंबर है इसके बाद दो डिजिट है, 2 ही डिजिट है, तो हम 20 लगा लेंगे, ये नंबर हो गया 400। हमें फाइंड करना है, हमें निकालना है डिफरेंस, हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट की ज्यादा में से 400,000 में से आप 400 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 400,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 400 को, तो 400 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ये 2 0 100 के प्लेस पे 100 0 0 आ जाएंगे, यहां पे बोरो किया इधर से, यहां 10 हो गया, 10 में से 4 निकालिए, 6 बचा, 600 आ गया। फॉर्मा लगा लेंगे, यहां से बोरो किया, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 का 9 ही आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 रह गया, तो ये जो नंबर आया डिफरेंस आया 3,99,600, ये डिफरेंस आया। और ये दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी।